कर्क राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:50 के उपरांत आप सभी के जीवन में जो होने वाला है सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्त, आपको एक साथ तीन बड़ी घटना देखने को मिलेगी। एक तरफ आपके दुश्मनों का अंतिम समय होगा, वहीं दूसरी तरफ आप सभी के लिए अच्छे समय की शुरुआत होगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी दुश्मनों को भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। आपके जीवन में बहुत आतंक मचाया है इन दुश्मनों ने। अब आपको उन सभी दुश्मनों से मुक्ति स्वयं नौ दिव्य शक्तियां दिलाने वाली है। आज शाम को याद दिव्य शक्तियां आपके घर पधारने वाली हैं और घर आकर आपके जीवन को बदल देगी। जीवन बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा। बस आप इस देवी शक्तियों के संकेत को नजरअंदाज मत कीजिएगा, और अगर आपने समझ लिए तो आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। जो आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा एक बार नहीं दोस्तों, तीन बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सारे दुख दर्द कष्ट संकट और समस्याएं खत्म हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने अपने जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ही ज्यादा संघर्ष भरा आप सभी का जीवन रहा है, लेकिन उनके बदले में अपने अपने पूरे जीवन में कभी भी सुख का असली मजा नहीं पाया है। जो कहे सुख अगर आपकी जीवन काल में कभी आया भी है तो वहीं दूसरी तरफ से हुआ चला भी गया है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी अपने लोग हैं और आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हम इतना जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में कभी भी साहस को नहीं छोड़ा है, साहस के साथ अपने हर कार्यों में कार्य किए हैं और ईश्वर के ऊपर आपका जो विश्वास है वह बहुत ही बड़ा है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप भक्ति पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, आप अपने कर्म पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, और आपको यह चीज भी पता है कि भगवान कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी हां दोस्तों, और अब आपका कहीं बात आपका सोचा हुआ बात सच होने वाला है। आने वाले 24 घंटे के अंदर अब नौ देवी शक्तियां आप सभी की जिंदगी को बिल्कुल ही हीरे की तरह चमक देगी। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जो बड़ी खुशखबरी माता रानी आपको देने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हर शाम के बाद सवेरा होता है, हर इंसान के दुखों को खत्म ईश्वर ही करते हैं और उनके कर्मों का फल स्वामी आने पर अवश्य देते हैं। और दोस्तों अब आपका समय आ चुका है। अच्छा माता रानी आपको वह सभी खुशी देने वाले हैं जिनकी आप असली में हकदार हैं, जो कि आपकी जिंदगी का हक है। जी हां दोस्तों, बस हम आप सभी से इतना कहना चाहते हैं कि इन बातों को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो बात हम आप सभी को बताने वाले हैं यह अटल सत्य है। माता रानी आपके घर आज शाम में आने वाली है और आपकी सारी दुखों को हरने वाली है। अब आपकी किस्मत को चमकने वाली है। जिंदगी में जितने भी काम अपने सहाय हैं अब सब कुछ माता रानी खत्म करने वाले हैं। जिंदगी आपका रोशन होगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो नहीं आपके लिए नव देवी देवताओं का दिया हुआ एक तोहफा है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपसे हमारा एक निवेदन है कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए रोजाना मेहनत करते हैं और अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, और इन सभी के बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। आप इतना आपसे विषय चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वह आप देखकर अपने जीवन काल में उपयोग करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो आप जरूरी हमारे इन भावनाओं को समझिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कीजिएगा। तो लिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नौ देवी शक्ति आपके घर आ जाने वाली है, तो यश में आपको कौन से या देवी संकेत देने वाली है। दोस्तों सबसे पहला संकेत दिया है
कि अचानक से आप सभी के शरीर के कोई भी अंग फड़फड़ाने लगना। अगर आज आपके साथ ऐसा कोई घटना होता है तो आप समझ जाइए कि नौ देवी आपके घर पधारने वाली है और आपकी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए आपको संकेत दे रही है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा यह संगीत है कि कोई शिशु या नन्हा बालक आप सभी के घर आ जाए तो उनका भी यह संगीत सीधा ईश्वर से जुड़ा है, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह भी संकेत आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत उसे बच्ची को स्वागत के लिए पैरों के नीचे फूलों डालना है और फूल साफ सुथरी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी ऐसे चमकेगी कि आपकी दुश्मन के भी रंगते खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तीसरा यह संकेत है, अचानक से आपको खुशी का अनुभव होना। अगर आज आपको ऐसा घटना देखने को मिले जो आपको अचानक से खुश कर दे, आपको हंसते पर मजबूर कर दी, तो यह भी माता रानी का ही संकेत है, क्योंकि देवी देवता सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हैं और यह ऊर्जा जहां भी जाती है और सुख दाल को भी हरी भरी कर देती है। और अगर आपकी जिंदगी में यह देवी देवता आने वाली है या नौ देवियां आने वाली हैं तो आपको यह संकेत तो अवश्य मिलेंगे। आपका मन खुशी से परफोली तो उठेगा, तो इसे भी आपको समझना है कि माता रानी का आगमन आप सभी के जिंदगी में होने जा रहा है और आपको तुरंत ही माता रानी को सर झुकाकर नमन करना है और स्वागत के लिए तैयार रहना है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो संकेत है वह यह है कि आपके द्वार पर गौ माता का आ जाना। अगर आपके द्वार पर घूमता जाकर गोबर करके जाती है तो भी उनका बहुत ही सकारात्मक संदेश होता है कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी है और आपको जल्दी ही उनका दर्शन होने वाला है। अगर आज शाम आपको यह संकेत मिलते हैं तो आपको समझ लेना है कि माता रानी आपके जीवन में प्रसन्न हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ बात करते हैं कि माता रानी आपको कौन कौन सी खुशखबरी आज शाम से देने वाली है, जिंदगी में कौन कौन सी बदलाव होने वाले हैं। अपने वजन पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। आपका कोई दोस्त आपसे आज बड़ी रकम उधार मांग सकता है। अगर आप उनको यह रकम देते हैं तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। आज आपका मन खुश होगा और आप अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों पर पैसे खर्च करने का आनंद लेंगे। थोड़ी कोशिश और करें, आज भाग्य आपका साथ जरूर देगा, क्योंकि यह आपका दिन है। कुछ लोगों को व्यापारिक और शैक्षिक लाभ मिलेगा। खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। सोचने से पहले दो बार सोचें, अनजाने ही आपका नजरिया किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जूझते रहें, लेकिन शाम के वक्त आपको धन लाभ हो सकता है। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरियों का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुलवा देगा। आप दफ्तर में माहौल में बेहतरी और कामकाज के स्तर में सुधार को महसूस कर सकते हैं। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये बढ़िया दिन है। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाएं, कुछ दिलचस्प पढ़कर थोड़ी दिमाग ही कसरत करें। आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। प्यार के नजरिए से देखें तो आज आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेने में सफल रहेंगे। काम पर लोगों के साथ मेलजोल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। किसी वजह से आज आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है, इसका आप फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी, क्योंकि आपके जीवन साथी ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई है। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले दो बार सोचें जो आज आपके सामने आई हैं। भावनात्मक तौर पर खतरा उठाना आपके पक्ष में जाएगा। आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात कर सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको विचार अवश्य करना चाहिए। जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें।
जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका बहुत ध्यान रखेगा। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। आपका धन कहां खर्च हो रहा है इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के साथ खरीदारी मजेदार रहेगी, इससे आप दोनों के बीच की समझ में भी इजाफा होगा। प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए यह दिन विशेष रहने वाला है। दिवा स्वप्नों में समय खपाना नुकसानदेह रहेगा। इस मुखालते में न रहें कि दूसरे आपका काम करेंगे। दिल के करीबी लोगों के साथ आपका वक्त बिताने का मन करेगा, लेकिन आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। लगता है कि आपका जीवन साथी आज बहुत खरुश है। आपको सिर्फ वैवाहिक जीवन से जुड़ी उसकी योजनाओं में मदद करने की जरूरत है। रचनात्मक काम आपको सुकून देगा। आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च हो सकता है। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत है। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। अपने बॉस वरिष्ठों को घर पर बुलाने के लिए अच्छा दिन नहीं है। इस राशि के उम्रदराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें। आपको मेरी सलाह है कि शराब सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्च न करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। कार्यक्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने में सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको भी तेजी से कूदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मातहतों को कड़ी डीढ़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना सकारात्मक परिणाम देगा। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन साथी में काफी दिलचस्पी दिखा सकता है, लेकिन दिन के आखिर तक आपको एहसास होगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने जीवन को चिरस्थायी न माने और जीवन के प्रति सजगता को अपनाएं। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। सही समय पर आपकी सहायता किसी को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा। अपनी कोशिशों को सही दिशा दें और आपको असाधारण कामयाबी से नवाजा जाएगा। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन आज आपको पैसे की अहमियत समझ में आ सकती है, क्योंकि आज आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। आपकी दिलचस्प रचनात्मकता आज घर के वातावरण को सुखद बनाएगी। आज प्यार की कमी महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। आपको और आपके जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ निजता की जरूरत है। खेलों और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में आपकी मदद करेगी। आज के दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार न दें, और यदि देना जरूरी हो तो देने वाले से लिखित में लें कि वो पैसा वापस कब करेगा। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए अच्छा दिन है। आज अपने प्रिय को माफ करना न भूलें। बद्धे व्यापारिक लेन देन करते वक्त अपनी भावनाओं पर काबू रखें। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। किराने की खरीदारी को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है। सुकून हासिल करने लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताएं। जो लोग अब तक पैसे को बिना वजह ही उड़ा रहे थे, आज उन्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी न सुनने प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है।
एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्दी ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। आपकी कड़ी ढी आई मेहनत और निष्ठा खुद आपके लिए बोलेगी, वह दूसरों का विश्वास और सहयोग आपको हासिल होगा। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। आपके माता पिता आपकी फिजूल खर्ची को देखकर आज चिंतित हो सकते हैं और इसलिए आपको उनके गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। हर बात पर प्यार का दिखावा करना ठीक नहीं है, इससे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। ऑफिस में आज आपको स्थिति को समझते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका बोलना जरूरी नहीं है तो चुप रहें। कोई भी बात जबरदस्ती बोलकर आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपका जीवन साथी हाल में हुई खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का परिचय दीकर आपकी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। आपको बस दृढ़ता पूर्वक डटे रहना है। लेकिन चिंता ना करें, एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करेंगे। वाहन चलाते समय सावधान रहें और ध्यान से चलाएं। सडन डेक पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहें तो इससे बच सकते हैं। मुद्दों और स्पीड ब्रेक से सावधान रहें। गाड़ी धीरे चलाएं, हो सके तो बिन किसी काम के बाहर घूमने से बचें। अपना काम का हायतम करके घर पर आराम करें। आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हट न करें, इससे कोई फायदा ना होगा, केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे। आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है। आपको आज एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकते हैं। कल के लिए मनोरंजन या मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी से आज मदद लें। आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। आपको अपने और दूसरों के मामले में धीरज रखना सीखना होगा। आपके सामने ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएंगी जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा, और उन स्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए आपको सही वक्त और सही चीजें होने का इंतजार करना सीखना होगा। सुबह की सैर करें और अगर संभव हो तो घास पर नंगे पैर चलें। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है। इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एक आग्रता लाने की जरूरत है। एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें।
जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। शुभॉल, आज आपको आलस सा महसूस होगा, लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुत ही तेज गति से काम कर रहे हैं। आपको अपनी टांगों में थोड़ा बहुत खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है। यह सब अत्यधिक भागदौड़ डीएच का नतीजा है। इसीलिए आज अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए खूब आराम करें और अच्छा खाना खाएं। आज आप अपने पार्टनर पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अच्छे से तैयार होंगे। आपके पहनावे या आपके हेयर स्टाइल से आपके आकर्षण में वृद्धि ही होगी। आपको अपने पार्टनर से अपनी पसंद के कामों को आगे बढ़ाने की अनुमति भी मिल सकती है। इससे आपको उनसे हमेशा के लिए प्यार हो जाएगा। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद न देख पाओ और निराशा और आलसीपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपकी सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। आप अपने दोस्त की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजों के बारे में भी सोच लें। किसी कानूनी पचड़े में भी पड़ डीएच सकते हैं। कोई ऐसी घटना होगी जो आपको कभी ना भूलने वाला सबक देगी। कुछ अलग दिखें, कपड़े या अपना बाल बनाने का तरीका बदल लें। आपको अपने पैरों पर ध्यान देना होगा। आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आपको पैरों का बहुत प्रयोग करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको और भी अधिक ख्याल रखना है। जूते और जुराब नियमित रूप से पहनें। अगर कुछ दर्द महसूस हो तो आधे घंटे तक पैरों पर मसाज करें या पैरों को गर्म पानी में डुबो कर रखें। अगर दर्द बढ़ जाए तो नजदीकी डॉक्टर से सलाह करें। आज का दिन मजे और कार्ड्स के नाम रहेगा। अपने संबंध के बारे में सोचना बंद करें और आराम करें, जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत है। कोई डांस या हल्की फुल्की मूवी देखें। आज का दिन पार्टी के लिए बेहतरीन है। आप पार्टी में चमकेंगे और आपके प्रिय या होने वाले प्रिय आपके इस आकर्षण से काफी प्रभावित होंगे। आज आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास है, लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है जिससे आप खासे प्रभावित होंगे। इसके बारे में अच्छे से सोच लें, क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि आज बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूं। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वे आपसे दूर हो जाएंगी, लेकिन चिंता ना करें। आप अपनी प्रिय चीजों से केवल अस्थाई तौर पर दूर हो रहे हैं। अपने दिल की तो सुने ही, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना भी ना भूलें। अपने आप को उदास महसूस ना करें, क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से अपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए। शायद आप अपने साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाए हैं। आपके साथी का दिल सोने का है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेंगी। हालांकि दोनों तरफ से एक अंतरंग मुठभेड़ की इच्छा दोनों तरफ से जागृत हो सकती है। रोजगार और आय के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के काफी अवसर मिलेंगे, जिसको लेकर आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा है, जिसे लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज परिवार और कार्य क्षेत्र में संतुलन बिठाना मुश्किल हो सकता है और आप अपने कार्य क्षेत्र को परिवार की तुलना में ज्यादा महत्व देंगे। आप प्रेरणा से भरे हैं और काफी अच्छी स्थिति में भी हैं। आपका दिमाग सक्रिय है और इसमें नए नए विहार और नीतियां आती रहती हैं। आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। हालांकि अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो यह सब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखों का विशेष काम है। जिनको ज्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है,
उन्हें अपनी आंखों जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। यह जरूरी है कि आप अपनी रोमांटिक लाइफ के मामले में आराम से काम लें। आप हर एक भावना के बारे में बहुत जल्दी गंभीर हो जाते हैं। ऐसा करते रहना अब संभव नहीं होगा। आपको अब जरा धीमे चलना होगा। अपनी बेचैनी को रोमांस और प्यार के इजहार के पुराने तरीकों से बदल लें। हालांकि आपका दिमाग आपको सब कुछ तेजी से करने को कहेगा। प्यार भरे छोटे छोटे इशारे आपकी बात को समझाने के लिए काफी होंगे। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और कैरियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सके। दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। आज आप किसी भी अच्छे बुरे तरीके से अपना लक्ष्य पा लेने के मूड में हैं। काफी समय तक हाशिए पर रहने के बाद आपको आज अपने ग्रहों की बदौलत काफी आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं। यकीन मानिए, वे सही ही साबित होंगे। आप सामान्यतः सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप पिछले कुछ समय से लापरवाही बरत रहे हैं। आज आपको जबरदस्ती खुद को बिस्तर से बाहर खींचकर व्यायाम में लगाना होगा। आपके लिए भविष्य में काफी कुछ है और आप उसका फायदा केवल तभी उठा पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। आज अपना फिटनेस कार्यक्रम घर से शुरू कर सकते हैं। आज आप सामाजिक होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप ऐसे किसी आदमी की ओर आकर्षित होंगे जिसकी प्राथमिकताएं और रुचियां आपसे मेल खाती हैं। इस नए रोमांटिक साथी के साथ आप बेहद खुश महसूस करेंगे। हालांकि कुछ समय के बाद आपको यह सब बकवास लगने लगेगा और आप इससे बाहर आना चाहेंगे। अभी अकेले होने के इस दौर में अपने पार्टनर को प्यार करने के बेहतर तरीकों के बारे में सोचें। आज का दिन उन लोगों के लिए सबसे अनुकूल है जो किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवसायों में हैं। डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सकों, अस्पताल प्रशासकों और यहां तक कि मेडिकल छात्रों की सफलता के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अगर आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले रहे हैं तो इस सलाह को माने, क्योंकि ये आपके पेशेवर जीवन के लिए इस समय बहुत ही प्रासंगिक होगी। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसी से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा ना करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सके। जरूरतमंदों, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, उनकी मदद करें। ऐसे करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही शुरुआत करेंगे आपका मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा। फिर भी सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को प्रभावित न होने दें। आपको आने वाले दिनों में काफी तनाव का सामना भी करना है, इसीलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें और खुश रहें। आप अपनी नौकरी और कैरियर के लिए अधिक से अधिक समय समर्पित करने के कारण अपने प्यार और अपने साथी की अनदेखी कर सकते हैं। आपके साथी को काफी हद तक यह समझ आ चुका है, लेकिन अब वह अधीरता के संकेत दे रही है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें, अन्यथा यह काफी संकट में आ सकता है। अभी तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इस ओर अपना ध्यान दें, अन्यथा काफी देर हो चुकी होगी। किसी हनुमान मंदिर में एक गीला नारियल लेकर जाएं। मंदिर में हनुमान जी के सामने खड़े होकर नारियल को अपने सिर से पैर तक 7 बार उतारकर जोर से फोड़ें। इसके बाद 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करें। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ध्यान रहे, उपाय करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं। मंगलवार को कर लें, यह उपाय कठिन से कठिन समस्या भी दूर होगी। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में 1 नींबू और 4 लौंग लेकर जाएं। इसके बाद हनुमान जी के सामने नींबू के ऊपर 4 लौंग अर्पित करें। फिर हनुमान जी के इस बीज मंत्र AUM एम भ्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः का 108 बार जप करें। मंत्र जप के बाद मनोकामना पूर्ति की कामना करते हुए नींबू को अपने साथ ही रख लें। कुछ ही दिनों में कठिन से कठिन समस्या दूर होगी।
मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के समय एक पान के पत्ते पर केसर या लाल चंदन से श्री राम लिखें, फिर इसे भगवान को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने बटे में रख लें और जब पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो उसे नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन से संबंधित सभी समस्या दूर हो जाती है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने या सुनने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए इस दिन बजरंग बाण का पाठ काफी लाभकारी माना गया है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में एक नींबू और चार लौंग लेकर जाएं। इसके बाद हनुमान जी के सामने नींबू के ऊपर चारों लौंग अर्पित करें। फिर इस बीज मंत्र AUMI ब्रीम हनुमते श्री राम दूताय नम का 108 बार जप करें। मंत्र जप के बाद हनुमान जी से मनोकामना पूर्ति की कामना करते हुए नींबू को अपने साथ ही रख लें। कुछ ही दिनों में कठिन से कठिन समस्या दूर होगी। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। इसके लिए आप लौंग का आसान साधन कर सकते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार सूर्यास्त समय में 5 लौंग, 3 कपूर, 3 बड़ी इलायची, 7 हरी छोटी इलायची लेकर उसे जला लें। जब इनमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसे सभी कमरों में घुमाएं। इसे पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहें तो राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा।